हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आज हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आज के सेशन को शुरू करती हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य में कौन सा काल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान काल। मैं चित्र बना रहा हूँ, इसमें वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है पुर्तगाली भाषा, चीनी, अरबी, अंग्रेज़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें एंड लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 है, स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है दांत, बी है मुर्दा, सी है तालु, डी है कंठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स वर्ण का उच्चारण स्थान मुर्दा है। बाकी स, स ह और ट वर्ण वर्ग भी मुर्दा के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन है अतिप्रसन्न होना, बी है फूल की तरह खिलना, सी है दुर्लभ वस्तु, डी है सुगंधित होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ वस्तु। गूलर का फूल होना दुर्लभ वस्तु है। प्रश्न नंबर 5 है, पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है आद्यपान्त, अपादमस्तक, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपादमस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं? ऑप्शन है रस, बी है छंद, सी है चौपाई, डी है अलंकार। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार हैं? ऑप्शन नंबर ए है हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामप्रसाद शुक्ल, डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधर शब्द है? ऑप्शन हो जाएगा रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ऑप्शन नंबर डी है विदेशी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी योग रूढ़। चक्रधर शब्द योग रूढ़ है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन है कुछ, कौन, यह, क्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 10 है, संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन है संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ, क्रिया के साथ और काल के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 11 है, सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द है? ऑप्शन नंबर ए है विमाता, सुमाता, कुमाता, जमाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द है विमाता। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।